हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बागबानी में कैल्शियम कितना ज़रूरी होता है ये जानेंगे और पौधों को आसानी से मिलने वाले 6 कैल्शियम के सोर्सेज देखेंगे और क्या ये सोर्सेज काम करते हैं या नहीं, इन सब को जानेंगे। लास्ट में पौधों को इंस्टेंट कैल्शियम देने के लिए 2 गार्डनिंग हैक्स को दिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पौधों के लिए 6 कैल्शियम के सोर्सेस बताने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पौधों को कैल्शियम क्यों जरूरी है। पौधों के ग्रोथ में कैल्शियम बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी में पाने वाले मेजर न्यूट्रिएंट्स को जड़ों से अब्सॉर्ब करने में मदद करता है, प्लांट सेल को बनाए रखने में और फ्रूट बनाने में जरूरी है। तो कैल्शियम की कमी से पौधों में क्या साइंस और सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं? कैल्शियम की कमी से पौधों में नेक्रोसिस होता है और पौधों के कुछ पार्ट्स मर जाते हैं, जैसे कि फलों के टिप्स या पत्तों के टिप्स जल जाते हैं। अब टमाटर के पौधों में इस तरह की डिजीज पाई जाती है जिसको ब्लॉसम एंड रॉट डिजीज भी कहते हैं। पत्तों का पीला हो जाना भी कैल्शियम की कमी से होता है। तो चलिए हम उन 6 सोर्सेस यानी सूत्र को जान लेंगे जिसमें कैल्शियम है। दूध, ये बहुत महंगा है और कैल्शियम के अलावा दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स दूध में होते हैं, जैसे फैट्स, लैक्टोज, प्रोटीन्स, वो हमारे प्लांट्स के लिए जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपका दूध फट गया है तो आप दूध में पानी मिलाकर प्लांट्स को डाल सकते हैं। एक्शेल्स यानी अंडे के छिलके, हम सभी जानते हैं कि एक्शेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट होता है और मार्बल के पत्थर में भी होता है और चौक पीस में भी होता है। अगर आप एक्शेल्स यानी अंडे के छिलकों को क्रश करके पौधों में डालेंगे तो इससे कैल्शियम रिलीज होने में कई साल लग जाते हैं और हम पौधों की बीमारी को ट्रीट नहीं कर सकते। तो आप इस अंडे के छिलकों को अपने पॉटिंग मिक्स बनाते समय ही यूज कर सकते हैं। बेस्ट तरीका ये है कि जब आप अंडों को उबालते हैं तो इसका पानी ठंडा करके पौधों में डाल सकते हैं, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट है बोन मील यानी हड्डियों का मिक्सचर। एक अच्छा कैल्शियम का सोर्स है ये, बट पौधों को सिर्फ फास्फोरस मिलता है क्योंकि हमारे मिट्टी का पीएच 6.5 होता है जो थोड़ा सा एसिडिक है, इसीलिए इसको यूज मत करें। एक्सपायर्ड कैल्शियम या आयरन के टैबलेट्स, ये कैल्शियम के टैबलेट्स आप पौधों में डायरेक्टली नहीं डाल सकते क्योंकि ये डीकम्पोज होने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए आप इन टैबलेट्स को कॉम्पोस्ट बिन में डाल सकते हैं जिससे आपका कॉम्पोस्ट कैल्शियम से भरपूर होगा। दूसरा है लाइम यानी चूना। एग्रीकल्चरल लाइम केमिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। दूसरा लाइम है डोलोमाइट लाइम जो आमतौर पर यूज करते हैं। इससे मिट्टी का पीएच लेवल अल्कलाइन हो जाता है जो हमारे पौधों के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप मिट्टी के पीएच को टेस्ट कर लें, अगर आपका मिट्टी का पीएच 5.5 से कम है तो आप लाइम को यूज कर सकते हैं। ये पीएच मीटर बहुत अच्छा है, इस पीएच मीटर से आप पीएच को देख सकते हैं और ये सस्ता भी है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो इस लाइम को आप 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में मिलाएं और 3 महीने में एक बार डालिए। और पहला है जिप्सम। जिप्सम एक बेस्ट कैल्शियम का सोर्स है। ये सेफ है क्योंकि इसको यूज करने से मिट्टी का पीएच चेंज नहीं होता। जिप्सम चिकनी मिट्टी से सॉइल कॉम्पैक्शन को निकालता है और मिट्टी का ड्रेनेज को इम्प्रूव करता है। अगर आप हार्ड वाटर पौधों को दे रहे हैं तो आप जिप्सम से सोडियम लेवल को कम कर सकते हैं। तो इसको यूज कैसे करें? जिप्सम को 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में मिलाकर 3 महीने में एक बार डाल सकते हैं अपने पौधों में। तो दोस्तों, अब देखेंगे कुछ सस्ते कैल्शियम के सोर्सेस और हैक्स को जिसमें चॉक पीस और अंडे के
के और विनेगर को यूज करेंगे। पहला हैक है चॉक पीस का हैक। हम इसमें चॉक पीस को यूज करेंगे जो कैल्शियम कार्बोनेट है। आप वेजिटेबल के पौधे लगाते समय मिट्टी में एक या दो व्हाइट चॉक पीस को गाड़ सकते हैं। आप कोई भी सब्जियों के पौधों में यूज कर सकते हैं। अगर दूसरे प्लांट्स में डालना हो तो एक चॉक पीस एक कंटेनर में डाल सकते हैं। इससे आपके पौधों को कैल्शियम मिलता रहेगा। नेक्स्ट दूसरा हैक है विनेगर हैक। इस हैक से कोई भी कैल्शियम रिलेटेड डिजीज को खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पहले अंडों के छिलकों को सुखाकर पाउडर बना लें या थोड़ी देर 2 या 3 मिनट माइक्रोवेव कर लें। अब आप एक मुट्ठी अंडे के छिलकों को ले लें या 1 या 2 टीस्पून आप लाइम का भी ले सकते हैं। आप इक्वल क्वांटिटी सिरके को व्हाइट विनेगर को मिला सकते हैं। इस मिक्सचर को अच्छा सा मिला लें। आप ये कैल्शियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड का केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं। इस सॉल्यूशन को 2 या 3 घंटे छोड़ दें और इसमें पानी मिलाकर पौधों में डालें। तो ये रहा दोस्तों एक सस्ता और आसान कैल्शियम का सोर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।